डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। पहला क्वेश्चन है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। The opposite angles of a parallelogram are congruent. इसको हम if then लगाने का है। हाँ, तो इस किस तरह लिखेंगे, if a quadrilateral is a parallelogram, then जब अभी then लगाए, पहले हम यहाँ if से start किए, अब यहाँ देन अभी पूरा द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन अपोजिट एंगल्स ऑफ डेट क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। देख लो एक बार फिर, ये पैरेललोग्राम के बारे में है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसको इफ देन को फॉर्म में लिखना है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स ऑफ डेट क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह हो गया। अब यहाँ है स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ भी जो है रेक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो जैसे यहाँ लिखे हमने, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स ऑफ डेट क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जिस तरह हम यहाँ पर लिखे उसी तरह लिखेंगे, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स ऑफ डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। जैसे आइसोसेलस ट्राइंगल है ऐसा इसे बता रही है। हाँ, तो इसमें जो वर्टेक्स है वर्टेक्स ए, और इसका मिड पॉइंट जो है बेस का मिड पॉइंट है एम, तो ये जो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर जो बेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो बेस है बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिखना है, इफ अ ट्राइंगल इज अ एंड आइसोसेलस ट्राइंगल देन, अब देन लगा देंगे, अब बाद में पूरा लिखना है हमें, देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज
परपेंडिकुलर, पूरा एज इट इज वैसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, टू द बेस। इस तरह हमारा हुआ, इफ ए ट्राइंगल इज एन एसोसेलस ट्राइंगल देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर।